नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लुटना ही गरीब को है तो एकदम दीना डिस्ट्रिक्ट लुटिए और दीना डिस्ट्रिक्ट मार दीजिए, ऐसे करके मत मारिए, अधमारा नहीं मारिए, मारना तो ओपन मारिए। अगर हम लोगों का मांग जो एक छोटा सा मांग है वो पूरा अगर नहीं होगा तो हम लोग बता नहीं सकते कि ये आंदोलन कब तक जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है। नहीं मानने के लिए तैयार होगी तो हम लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे और हम लोग आंदोलन ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो सरकार से यही मांगना है कि हम लोग को जो स्टैंड कवरा है पूरा हम लोग को स्टैंड व्यवस्था करे। आज गाड़ी अभी बंदी हुआ है और ये ऑटो ड्राइवर अगर मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। जब तक हम लोग का समस्या के हल नहीं मिलेगा तब तक ये जारी रहेगा। जैसे नगर निगम के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी अफसर, जितने भी कर्मचारी सब पर ऊपर डंडा चल रहा है, 1000 लाओ, 2000 लाओ, 12 बजे रात में गली में से ठेला उठा लेता है, तोड़ देता है, ले जाके बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएगा, घर कैसे चलाएगा, हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग तो अभी वोट के हड़ताल हैं, अभी रोड पर ठेला निकालिएगा पकड़ लेगा, कहाँ से देगा भाई। सरकार दिया है ऊपर कहता है कि भेंडर लाइसेंस बना दिया है, बेचिए घूम घूम के बेचिए, चोर के तरह पकड़ लेता है। क्या हम लोग चोर हैं? हम लोग बिहारी नहीं है? 2024 में और 2025 में जनता आपको माफ नहीं करने जा रहा है, बिल्कुल कुर्सी उखाड़ के बाहर फेंक देंगे हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि आज बिहार की राजधानी पटना में तमाम ऑटो वाले जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, रोड पे ऑटो चलाने से मना कर रहे हैं। वजह ये कि पटना मेट्रो का जो काम है वो पटना स्टेशन पर चल रहा है, जहां पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो लोग हैं वो स्ट्राइक दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ऑटो नहीं चला रहे हैं। क्यों स्ट्राइक का हम लोगों का कारण ये है, टाटा पार्क हम लोगों का स्टैंड था बहुत पुराना, सालों से उसको जबरन हम लोगों को उखाड़ के फेंक दिया और हम लोग को राता-राती भगा दिया गया वहां से। हम लोग का बिना कोई व्यवस्था किए हुए, बिना कहीं जगह दिए हुए हम लोगों को उखाड़ के फेंक दिया गया। सरकार से क्या? हम लोग सरकार से यही मांगना है कि हम लोग को जो स्टैंड कवरा है पुनः हम लोग को स्टैंड व्यवस्था करे, ई रिक्शा और टेम्पो वाले दोनों भाइयों को हम लोग स्टेशन पर जगह दे ताकि यहाँ से पैसेंजर गली महला तक आराम से छोड़े और गली महला से लाकर पैसेंजर को स्टेशन तक छोड़े, हम लोग को हर सुविधा दिया जाए। एक गरीबों की सरकार है और कहती है कि गरीबों को हम काम करें, बाकी कई % सरकार बताए कि गरीबों के काम करें। एक गरीब राज है, सभी पूरा ऑल इंडिया जानते हैं कि बिहार एक गरीब राज है और गरीब राज में गरीबों को कितना सुविधा दे रही है ये तो हमारी पूरा देश जान रही है। गरीबों के नाम पर सारा धन दौलत लूटे जा रहे हैं, गरीबों की हर सुविधा योजना पास होती है, कब तक स्ट्राइक कागज पर होती है, कब तक स्ट्राइक पर रहेंगे? जब तक हम लोग, आज शुक्रवार से 5वां दिन है आज हम लोग का आंदोलन का। अगर हम लोगों का मांग जो एक छोटा सा मांग है वो पूरा अगर नहीं होगा तो हम लोग बता नहीं सकते कि ये आंदोलन कब तक जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है। सरकार अगर मानने को तैयार नहीं होगी तो? नहीं मानने के लिए तैयार होगी तो हम लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे और हम लोग आंदोलन ऐसे ही करते चले जाएंगे। हम लोग से पैसे लेता, फोटो खींचता, साइड में ले जाकर 500 रुपया ले लेता है पुलिस वाला, उसको बाद भी क्या करता है कि छोड़ देता है उधर साइड में, फिर भी हाथ पकड़ता है, फिर भी हाथ 200 रुपया लेता है, जेबी में रखने बोलता है कि पैसा जेबी में। आज गाड़ी अभी बंदी हुआ है और ये ऑटो ड्राइवर अगर मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। भूख हड़ताल पे तो हो ही जाएगा। कई ड्राइवर की अगर जान जाएगी तो जान देने के लिए सब तैयार है। जैसे सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोग का जो मांग है जो पूरी नहीं किया जाए, तो हम लोग को ये रोजी रोटी है और हम एक परिवार से एक आदमी 4-5 परिवार को पालते हैं। अगर जो हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा तो हमारे हम मरेंगे, हमारे 4-5 बच्चे मरेगा, बीवी बच्चा मरेगा, माँ बाप मरेगा, तो एक परिवार से कितना परिवार मर रहे हैं। तो ये सब चीज़ अगर जो उनको समझ में नहीं आता है तो ये आंदोलन, अरे बंदी, जब तक हम लोग का नहीं मन भरेगा, जब तक हम लोग का समस्या के हल नहीं मिलेगा तब तक ये जारी रहेगा। हम भभुआ रोड से आए हैं, यहाँ ऑटो स्टैंड बताइए नहीं चल रहा है, हम लोग का दिक्कत हो रही है, गरीब आदमी को दिक्कत हो रहा है, नीतीश कुमार ऐसा साधन नहीं दे रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं लगातार। आप लोग हड़ताल पर बैठे, जैसे सरकार कहते हैं गरीबों के सरकार है तो गरीबों के लिए क्या किए हैं सरकार? सरकार नीतीश कुमार मोदी जी हैं, मोदी जी क्या किए हैं?
मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब के लिए क्या बने, कुछ बने कुछ दिए, और तो जहां तक गरीब को लूट रहे हैं तो लूटना ही मोदी जी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लूटना ही गरीब को है, तो एकदम दिना डिस्ट्रिक्ट लूटिए और दिना डिस्ट्रिक्ट मार दीजिए, ऐसे करके मत मारिए, अधमारा नहीं मारिए, मारना है तो ओपन मारिए, काहे कि अगर जो जनता, अगर जो आम आदमी पब्लिक समझ जाए कि आप मार रहे हैं तो आपको फिर बैठना का कुर्सी नहीं मिलेगा। जितने भी अभी ठेला लगाते हैं, जितने भी सब दुकान लगाते हैं, सबको देखिए, सरकार ने वेंडर लाइसेंस दिया, अब वेंडर लाइसेंस को इसमें प्रूफ नहीं करे, और तेजस्वी जी जब से आए हैं, जब से नगम निगम के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी अफसर, जितने भी कर्मचारी, सब पर ऊपर डंटा चल रहा है, 1000 लाओ, 2000 लाओ, 12 बजे रात में गली में से ठेला उठा लेता है, तोड़ देता है, ले जाके बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएगा, घर कैसे चलाएगा, हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग तो अभी वोट के हताल हैं, अभी रोड पर ठेला निकालिएगा पकड़ लेगा, कहाँ से देगा भाई, सरकार दिया है उस पर कहता है कि वेंडर लाइसेंस बना दिया है, बेचिए घूम घूम के बेचिए, चोर की तरह पकड़ लेता है, क्या हम लोग चोर हैं, हम लोग बिहारी नहीं है, हम सरकार से क्या मांग, सरकार के मांग है कि नगम निगम के ऊपर कार्रवाई कीजिए, नगर विकास मंत्री अभी बने हुए कान में रुई डाल के बैठे हुए, क्या जितने भी पदाधिकारी अफसर शाही बन रहा है सबको झूठ मूठ पकड़ लेता है, लाइए 2000-4000 कहाँ से गरीब आदमी देगा भाई, जब से तेजस्वी जी आए सत्ता में उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम मांग कर रहे हैं, नगम निगम के ऊपर आप लोग देखिए कार्रवाई कीजिए, न तो 2024 में और 2025 में जनता आपको माफ नहीं करने जा रहा है, बिल्कुल कुर्सी उखाड़ के बाहर फेंक देंगे हम लोग। लगातार ऑटो वाले जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, आपको बता दूं कि पटना मेट्रो का जो काम है वो पटना जंक्शन पर चल रहा है, जिसको लेकर ऑटो वाले को जगह चेंज करने के लिए कहा गया, लेकिन ऑटो वाले नहीं मान रहे हैं, लगातार स्ट्राइक पर पिछले दो दिनों से बैठे हुए, और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक हम स्ट्राइक पर रहेंगे, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल भी करेंगे। सरकार को उनकी बात मानी होगी, हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं, आप आसपास का नज़ारा देख रहे होंगे किस तरीके से भीड़ लगी है, लोगों को परेशानी हो रही है, ऑटो नहीं मिल रहा है, घर नहीं जा पा रहे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ये ऑटो स्ट्राइक कब तक जारी रहता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।